यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। इंद्री में यमुना नदी पर घंटों की नीलामी हुए बिना ही घाटों पर अवैध वसूली का धंधा जोरों पर चल रहा है, लेकिन मौके पर राहगीरों और ठेकेदारों को सुख सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं, तो वहीं पंचायत समिति इन घाटों की देखरेख का काम करती है। नियमों के अनुसार पंचायत समिति ने घाटों के ठेकेदारों को राहगीरों और वाहनों से तयशुदा किराया वसूलना निर्धारित कर रखा है, लेकिन मौके पर ठेकेदार तयशुदा किराए से अधिक मात्रा में राशि राहगीरों और वाहन चालकों से वसूल रहे हैं। साथ ही इंद्री पंचायत समिति के नव निर्वाचित अध्यक्ष कुसुम कम्बोज के पति ऋषिपाल कम्बोज का कहना है कि उन्हें अभी सारे मामले की जानकारी नहीं है, अगर कहीं कोई अनियमितता सामने आएगी तो उसकी जाँच कराकर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और कहा कि घाटों पर अवैध वसूली करने के मामला गलत है। इस मामले की जानकारी अभी हमारे जानकारी में आई है, जल्द ही इस मामले को लेकर राज्य मंत्री से मिलकर कार्रवाई करने की मांग की जाएगी। कोई मोटरसाइकिल वाला अगर 50 रुपए देकर जा रहा है, बाजे 20 रुपए देकर जावा, 30 भी देकर। तो ये तीनों घाट हैं, इसके बारे में मेरे को अभी कोई नॉलेज नहीं है, अवैध वसूली किस प्रकार की चल रही है। तो अवैध है ऐसा तो होना चाहिए, जो हमारे रेट निर्धारित है उसी रेट पर पैसा लेना चाहिए, और अगर कोई ऐसी बात है तो मैं BDO साहब से और मंत्री जी के नॉलेज मिला के संज्ञान में लूँगा ये बात, और जो भी उचित कार्रवाई होगी उनके खिलाफ करेंगे। पता लगा जैसे यहाँ पे हो रहा है कि पहले 10 रुपए लेते थे, अब 50 रुपए लिए जा रहे हैं, तो ये गलत है, ना ही कोई रसीद दे रहे हैं, ना ही कोई मतलब सरकार का भी ठेका छुटा है। तो उसके बाद 50 रुपए आने के लिए जा रहे हैं, यानी कि अप डाउन के 100 रुपए हो जाते हैं।